सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय श्री राम। आज 9 मई दिन सोमवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज बगलामुखी जयंती है। आज 5:50 पर सूर्य उदय का समय है और सायंकाल में 6:35 पर सूर्यास्त होंगे। आज 7:25 प्रातःकाल में राहु काल योग है और 9:01 तक रहेगा। अर्थात प्रातःकाल 7:25 से 9:01 तक कोई भी शुभ कार्य ना करे। आज आप 129वां भाग सुन रहे हैं श्री स्वरूप दर्शन का। 129वें भाग में ज्ञान योग के बारे में बतलाया है। ये सत्संगों के बीच में जब कभी जब गुरु महाराज जी संतों को और खास भक्तों को सत्संग सुनाया करते थे तो वो गूढ़ रहस्य बातें ही चला करते थे। आज यहाँ भी वही आपके सामने प्रसंग है। एक बार श्री महाराज जी बन्नू से टेहरी जा रहे थे। पहाड़ी यात्रा देखकर आप बहुत प्रसन्नचित होकर कहने लगे कि हम कुछ दूर पैदल चलेंगे। तब आपने मोटर को छोड़ दिया। उस समय दीवान भगवान दास जी तथा यह दास श्री चरणों की सेवा में थे। दाता दीनदयाल जी सत्संग सुनाने लगे। इतने में दीवान सिंह ने प्रार्थना की, दयाल जी इस संसार में ज्ञान भी कितने ही प्रकार का है। मशीनरी इत्यादि को जानना भी ज्ञान है, अपने को जानना भी ज्ञान ही कहलाता है, परंतु दूसरे ज्ञान को सीखने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु किंतु यह आत्मज्ञान अर्थात निज स्वरूप का ज्ञान सर्वसाधारण को क्यों नहीं होता, जबकि वह हृदय की ही वस्तु है, प्रत्येक समय पास है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। परंतु वस्तु इतनी पास होने पर भी इसकी प्राप्ति जल्दी क्यों नहीं होती, कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री दीवान साहब की प्रार्थना सुनकर श्री गुरुदेव जी कहने लगे, शास्त्रों ने 4 प्रकार का ज्ञान बताया है, श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात। अब इनकी व्याख्या सुनो। जैसे अग्नि 4 प्रकार की है, लकड़ी की अग्नि, बिजली की अग्नि, बड़वानल की अग्नि तथा जठराग्नि। महाप्रलय की अग्नि, लकड़ी की अग्नि तो जब तक लकड़ी डालते चलो प्रचंड रहेगी, परंतु जब लकड़ी डालना बंद कर दोगे तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार ज्ञान है, महापुरुषों के सम्मुख बैठकर सत्संग वचन सुनते रहे तो श्रवण ज्ञान चमकता रहता है, वाजी वाजी करते रहे। जब सत्संग से उठे अथवा वे महापुरुष इधर उधर गए तो वह ज्ञान अर्थात अग्नि बुझ गई। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान है बिजली की अग्नि वाला। तो बिजली की अग्नि जरूर रहती है, बिजली में अग्नि जरूर रहती है, परंतु अभी चमकी और बुझी, एक स्थान पर नहीं ठहरती। इसी तरह संसारी पुरुष को महापुरुषों का सुनाया हुआ तत्व ज्ञान उपदेश संसारिक धंधों में भी चमकता रहता है। जब किसी संबंधी की मृत्यु, धन का नाश अथवा शरीर में विघ्न इत्यादि हुआ तो ज्ञान का वैराग्य चमक उठा और मन में आया, अभी त्याग कर दूं, संसार नाशवान है, महापुरुष सत्य ही कहते हैं, बस लगा वैराग्य सताने और थोड़ी देर बाद फिर उसी मिथ्या संसार को लपेटने में आ गए। बंधन में पड़ने पर भी अंदर से वह मस्ती कभी कभी टपकती रहती है, यह है मनन ज्ञान। पहला श्रवण ज्ञान, मनन सदैव हृदय में रहता है और कभी कभी अपनी चमक दिखाता ही रहता है। मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सकल ब्रह्म का पसारा है, परंतु यह ज्ञान फिर मिट जाता है। अब तीसरा ज्ञान सुनो जो कि जठराग्नि अथवा बड़वानल कहलाती है। जैसे अग्नि मनुष्य के पेट में रहकर भोजन को पचाती है अर्थात हजम करती है, इसी प्रकार बड़वानल जो सागर के अंदर रहकर सागर के बढ़ने वाले पानी को सुखाती रहती है और बाढ़ से बचाकर उस महान जल को सीमा में रखती है, यह कहने में 2 प्रकार की अग्नि है, परंतु काम एक जैसा ही करती है, यह निध्यासन ज्ञान है। इससे वृत्ति एकदम ब्रह्मलीन होकर अद्वैत ज्ञान वृत्ति पर छाया रहता है, जिससे संकल्प विकल्प सब भोजन के समान हजम होकर वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। याद रहे कि श्रवण से मनन और मनन से निध्यासन अवस्था प्राप्त होती है और मनन ज्ञान दिल के खजाने में स्थित रहता हुआ नष्ट नहीं होता,
जो ज्ञान नष्ट नहीं होता उसको निध्यासन में लाकर अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। इससे यह लाभ हुआ कि कभी कभी यह संशय उठता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, जीव हूँ। इसमें ब्रह्म रूप ही निश्चय होने लगा और वृत्ति कभी सभी बंधनों से रहित होकर एक मस्ती में लीन रहेगी। और चौथा महाप्रलय की अग्नि के समान ज्ञान है जो साक्षात ज्ञान कहलाता है। यह स्थूल सूक्ष्म कारण जागृत स्वप्न और सुसुप्ति से परे तुरीयावस्था है। यहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान, न तू, न मैं, न वह, न यह, अर्थात एक शांत मस्ती है। उसका अनुभव करते ही वह खुशी मिलती है जिसका कभी नाश नहीं होता। जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि इन अवस्थाओं को पाकर अपनी हालत को जांचता रहे कि मैं किस अवस्था में हूँ और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहे। इस प्रकार अभ्यास करते करते एक दिन यह ज्ञान प्राप्त होकर रहेगा। परंतु सर्वसाधारण व्यक्ति मंद जिज्ञासा को लेकर श्रवण ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान जान लेते हैं और अज्ञानियों के समान संसार के दुख और सुख में भटकते रहते हैं। इससे वे एक दिन नास्तिक हो जाते हैं। श्रवण ज्ञान तो एक प्रकार का ढंढोरा है, जैसे किसी ने ढंढोरा पिटवाया कि अमुक मकान नीलाम होगा। सब सुनने वालों ने सुना, मनन करने वालों ने जाकर मकान देखा, परंतु जिसने इस रुपए खर्च किए खरीद लिया उसने ही निंद्यासन कर लिया। निंद्यासन के बाद उसमें विश्राम पाने लगा, अर्थात साक्षात हुआ, स्वामी बना। श्रवण अवस्था से आगे तीन अन्य अवस्थाओं को भी प्राप्त करना परमावश्यक है। यह साक्षात ज्ञान सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। यह ज्ञान निरक्षर ब्रह्म ज्ञान विद्या और इलम सीना कहलाता है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी कृपा द्वारा जिज्ञासु को इस प्रकार उपदेश दिया कि जो लोग जल्दी से यह कह देते हैं कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वास्तव में उनकी जिज्ञासा मंद होती है। वे सुरुचि से भी आते हैं कि परंतु परमात्मा मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति बच्चों का खेल जानकर भी गुरुजनों के पास दौड़ जाते हैं और अपने नियम धर्म कर्म को नहीं समझते। यह कथन प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती। और यह सुनने में आया है कि सभी लोग पुत्र प्राप्ति का यत्न करते हैं, परंतु यह न तो देखा और न ही सुना कि बिना पत्नी के किसी के पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की प्राप्ति तब होती है जब पत्नी हो और वह भी बांझ ना हो। यदि पुत्र से गति होती तो पशुओं के पुत्र हजारों होते हैं और मनुष्य के भी। फिर तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, गुरु सेवा, त्याग, तप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में जाने की जरूरत नहीं रहती। बस दो चार पुत्र पैदा कर लिए और गति हो जाएगी। परंतु विचारणीय बात तो यह है कि वह पुत्र कौन सा है जिससे गति होगी। वह पुत्र है ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, धर्म, विचार इत्यादि। वे इस प्रकार मिलेंगे। भक्ति रूपी माता और आदि पुरुष रूपी पिता की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पिता की पहचान तब होती है होगी जब ज्ञान होगा। जब तक गुरु रूपी पिता, गुरु रूपी पति और पत्नी रूपी सेवक न होगा तब तक ज्ञान रूपी पुत्र न मिलेगा। गुरु क्या है, वह क्या देगा? आदि पुरुष का सत्य नाम अनादि शब्द ब्रह्म देकर सुरती रूपी स्त्री से मिलाप करवाकर आत्म रस उत्तम ज्ञान रूप पुत्र उत्पन्न होगा। भक्ति कहते हैं सेवकाई को। भक्ति रूप स्त्री से तात्पर्य सेवाकारी, आज्ञाकारी सेवक। गुरु आज्ञा में रहकर सेवक भक्ति और सेवा करेगा। गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान उत्पन्न होगा। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी यह शब्द आया है, भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव नकीनी वृथा जन्म गवाया, कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, और ज्ञान का बद्धा मन रहे और गुरु बिन ज्ञान ना होए। भावार्थ यह है कि गुरु के बिना ज्ञान न होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी और भक्ति के बिना जो वाचक ज्ञान है वह धोता ज्ञान है, जो ग्रंथों से प्राप्त करके उसे ज्ञान कहते हैं वह अक्षर ही ज्ञान होगा। जिसके आधार पर अक्षर बने हैं उस अक्षर पुरुष का ज्ञान पूर्ण गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब में एक अन्य स्थान पर यह शब्द आया है,
माई गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मो नारदे वेद व्यासे कोई। ज्ञान अपने रूप को जानने का नाम है, पुत्र अपना ही स्वरूप होता है इसलिए प्रिय लगता है, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान होता है। भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, ताही अधीन ज्ञान विज्ञाना। अस विचार जो परम श्याने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कई साधक जिज्ञासा रहित तो भक्ति से प्रेम नहीं करते, वे भक्ति नहीं अपनाते परंतु ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वे मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त न होगा। अनेक व्यक्ति अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं, जो गुरु आज्ञा मन के अनुसार हो उसका पालन करते हैं, जो मन के विरुद्ध आज्ञा हो उस पर नहीं चलते। भला विचारने की बात है, जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता वे बैठकर पुत्र की माला नहीं फेरते बल्कि पुत्र प्राप्ति के साधनों को अपनाते हैं। यदि कुछ शारीरिक रोग हो तो दिन रात दौड़ भाग कर वैद्यों डॉक्टरों के पास जाकर चिकित्सा करवाते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक पीर साहब लोगों को पुत्र का वरदान दिया करते थे। एक दिन एक स्त्री पुरुष उनकी शरण में आए और प्रार्थना की, फकीर साहब हमें बेटा दीजिए। तब पीर ने नियमानुसार अपने लोटे से थोड़ी भस्म उठाकर उस व्यक्ति को दी और कहा, पानी में घोलकर दोनों थोड़े थोड़े पी लिया करो, खुदा के फजल से औलाद होगी। ऐसा मशहूर था कि उस पीर की चौकट से कोई खाली नहीं गया। उन दोनों ने भस्म तो पानी में घोल ली परंतु गृहस्थ व्यवहार नहीं किया। 2 साल बाद निराश होकर वे फिर आए और बोले, पीर साहिब आपके द्वार से भी खाली रहे। पीर जी बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सच कहो भस्म का सेवन कैसे किया। उसने कहा, आपके कहे अनुसार भस्म तो पानी में घोल कर पी ली। पीर जी बोले, ग्रस्त व्यवहार किया कि नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। पीर ने बिगड़ कर कहा, मूर्खो आप कर्महीन हो, इशारों को समझो और जाओ ग्रस्त कर्म करो। बिना गुरु के जो पहले कर्म करते थे वे बेकार थे, अब गुरु की युक्ति से वही कर्म कार्य फलदायी होगा। इस प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सो सिद्धांत यह है कि भक्ति और युक्ति से गुरु द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, बिना ज्ञान रूप पुत्र के गति कदापि नहीं होती। यह सद ग्रंथों और प्राचीन ऋषियों की आज्ञा है। इस पर एक भजन भी है, मनुष्य को बिना गुरु के निज ज्ञान नहीं मिलता, जिस ध्यान से मुक्ति हो वह ध्यान नहीं मिलता। जप जाप योग साधन करते अनेक देखे, मन में है द्वेष जब तक भगवान नहीं मिलता। घट घट में आप पूर्ण सब ग्रंथ है यह गाते, इस घट में जहाँ है वह स्थान नहीं मिलता। तट तीर्थों में भटको उल्टे बदन से लटको, तट तीर्थों में करके स्नान नहीं मिलता। किस काम के हैं कथने थोते ज्ञान है दासा, हृदय में भरा जब तक अज्ञान नहीं मिलता। अर्थात अपने हृदय के अंदर से सब अज्ञानता को दूर कीजिए, सब क्रोध काम वासनाओं को निकालिए तो निश्चित ही आपको भगवान मिलेगा। आज के पाठ को यहीं समाप्त किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमस दया।